अरुणाचल में हाल ही में 6 महीने तक संभाला था सीएम का पदभार, बीजेपी की मदद से बनाई थी सरकार। कलिको को हाईकोर्ट के फैसले के बाद छोड़ना पड़ा था सीएम का पद, कुछ दिनों से राजनीतिक गतिविधियों से कटे रहते थे कलिको। बीजेपी आलाकमान ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ताला मरांडी को दिल्ली तलब किया, सूत्रों के मुताबिक बिना सूचना के राज्य कार्यकारिणी की घोषणा पर खपाए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। टीडीपी सांसद शिव प्रसाद ने अनोखे अंदाज में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, घुंघरू पहनकर ढपली की थाप पर थिरके। रघुराम राजन के आखिरी मौद्रिक नीति के ऐलान में होम लोन कर्जदारों की टूटी उम्मीद, रघुराम ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी आज अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली से 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी अभियान की शुरुआत करेंगे, आजाद के स्मारक पर जाकर शीश भी नवाएंगे। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भाभरा में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर पहुंचने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री, मोदी की यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा। चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद भाभरा से 10 किलोमीटर दूर झातेराड़ा गांव में जनसभा करेंगे मोदी, रैली को लेकर बड़ी तैयारी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी अभियान के तहत 12 अगस्त से पूरे देश में 150 जगहों पर जाएंगे सरकार के। प्रधानमंत्री से बयान वापस लेने की मांग। गौरक्षकों पर पीएम के दिए बयान पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने किया वार, कहा मोदी राज में गौ मांस का बड़ा निर्यात। गौरक्षकों को लेकर दिए पीएम के बयान पर भड़की बीएचपी, प्रधानमंत्री से माफी मांगने को कहा। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, कहा अब तक 1000 गायें सरकारी लापरवाही की बनी शिकार। दिल्ली में एलजी नजीब जंग के रडार पर, केजरीवाल सरकार के 1.5 साल का कामकाज, हाईकोर्ट से अधिकारों की लड़ाई जीतने के बाद तलब की 1.5 साल के लिए में लिए सभी फैसलों की फायदे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा जीएसटी की का संसद में पारित होना देश के लिए अच्छा कदम। मणिपुर के आयरन लेडी इरोम शर्मिला आज वहां की अदालत में तोड़ेंगे 16 साल का उपवास, उपवास खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत से रिहा होंगे। अधिकारों के लिए आंदोलन का चेहरा बन चुकी इरोम शर्मिला के फैसले से मणिपुर में उनके समर्थक खुश, कुछ लोगों ने उठाए सवाल। बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप में शामिल मुख्य आरोपी सलीम बावरिया समेत 3 गिरफ्तार, मेरठ के मवाना से हुई गिरफ्तारी। बुलंदशहर गैंगरेप केस में अभी तक 6 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी अभी भी फरार, पुलिस ने लोकेशन का पता होने का किया दावा। भरतपुर में परिजनों ने जिस युवती का किया था अंतिम संस्कार, वो प्रेमी के संग शादी कर जिंदा वापस लौटी, उठा सवाल मृतक महिला आखिर कौन थी। दिल्ली के शकरपुर में 14 साल के मंदबुद्धि बच्चे के साथ दरिंदगी, 3 पड़ोसी यौन उत्पीड़न की कोशिश और पिटाई का आरोप, बच्चे से दरिंदगी के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। रेप के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत पर आज कोर्ट सुना सकती है फैसला, ज्यादा उम्र का हवाला देकर आसाराम ने मांगी है जमानत। जमशेदपुर में 4 वाहन चोर गिरफ्तार, बुलेरो बलिनो और सुमो समेत 7 गाड़ियां बरामद, 2 साल में 40 वाहनों पर हाथ साफ किया। कोयंबटूर में 1 साल की मासूम के पेट से निकाला गया 3 किलो का ट्यूमर, 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने बचाई जिंदगी। यूपी के सहारनपुर में रेप में नाकाम रहने पर महिला को उसके पड़ोसी ने जिंदा जलाया, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम, आरोपी अभी फरार। महाराष्ट्र के सांगली में रेप पीड़ित महिला की खुदकुशी पर बवाल, एमएनएस की महिला कार्यकर्ताओं ने पेशी के दौरान आरोपी की जमकर पिटाई की। 35 साल की शादीशुदा महिला से 1 महीने पहले हुआ था रेप, इंसाफ नहीं मिलने पर पीड़ित ने आरोपी के फार्म हाउस पर जाकर की खुदकुशी। मुजफ्फरनगर में एक महिला को गैंग रेप का एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलरामपुर में दिव्यांग लड़की से घर में घुसकर रेप, आरोपी गांव का ही रहने वाला, अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड के रामनगर में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 1 मजदूर की मौत, 2 बुरी तरह घायल। ग्वालियर में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप के कैशियर से 3.5 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 10,000 रिश्वत लेते पकड़ा गया सरपंच, लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बीकानेर में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे पेट्रोल पंप के मुंशी को गोली मार, रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे, बदमाशों का अब तक सुराग नहीं। यूपी के मैनपुरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत की होगी जांच, 2 दिन पहले धरने पर बैठी महिला की इलाज के दौरान हुई थी मौत। इलाहाबाद में राष्ट्रगान पर पाबंदी लगाने वाले एमए कॉन्वेंट स्कूल के पर प्रशासन ने लगाया ताला, स्कूल के बाहर पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती। स्कूल संचालक जियाल उल हक के समर्थन में आए स्थानीय पार्षद समेत 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, स्कूल संचालक ने इस्लाम की दुहाई देकर राष्ट्रगान का किया विरोध। रोहतक में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के वीसी को हटाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी, पोस्टल के बाद धरने पर बैठे। महाराष्ट्र के परभणी से गिरफ्तार आईएएस संदिग्ध इकबाल शेख कबीर अहमद को कोर्ट में पेशी।
12 अगस्त तक एटीएस की कस्टडी में भेजा गया। रायपुर में एक साल से फर्जी आईबी अफसर बनकर घूम रहा शख्स गिरफ्तार, वीआईपी सर्किट हाउस से हुई गिरफ्तारी। यूपी में बीती रात अंधेरी मेट्रो स्टेशन पर मॉकड्रिल का आयोजन, किसी भी तरह के हमले की कोशिश को नाकाम करने की दिखी तैयारी। बिहार के बेगूसराय में अवैध संबंधों के शक में देवर ने भी निकी भाभी की हत्या, आरोपी ने पुलिस के सामने कबूला जुर्म। मुजफ्फरपुर में शराब बनाने के लिए ट्रक में ले जाई जा रही 5200 लीटर स्पिरिट जब्त, 7 लोग गिरफ्तार। गया में रिश्तेदारों को करीबी बताकर घर आए शख्स ने 5 साल के मासूम को किया अगवा, बच्चे का अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। बिहार में शराबबंदी के नए कानून के तहत 11 थानेदारों के निलंबन से बिहार पुलिस एसोसिएशन नाराज, निलंबन वापस नहीं लेने पर आंदोलन की दी धमकी। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, दरभंगा में कारोबारी को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। बिहार के कटिहार से स्कूल वैन से अगवा, पेट्रोल पंप कारोबारी की 4 साल की मासूम बेटी नेपाल से बरामद, स्कूल का ड्राइवर समेत 3 गिरफ्तार। कानपुर में इलाज के दौरान आईआईटी के छात्र की मौत पर बवाल गुस्सा, छात्रों का आरोप गलत इंजेक्शन लगने से हुई मौत। असम के बोगोई गांव में पंचायत उपचुनाव में काउंटिंग के दौरान बवाल, कांग्रेस और AIUDF समर्थकों के बीच मारपीट। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, द्वारा अपराधी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। राजस्थान के चुरू में पुलिस की गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में बिल्डर से परेशान होकर कॉन्ट्रैक्टर और उसका परिवार धरने पर बैठा, बिल्डर पर 4.5 करोड़ का बकाया नहीं चुकाने का आरोप। ग्वालियर में लोगों से एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकलवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया शातिर वाहन चोर, आरोपी के पास से चोरी की 15 बाइकें बरामद। जालंधर में निजी स्कूलों में की मनमानी के खिलाफ 1 महीने से आंदोलन कर रही 9वीं की छात्रा विधायक प्रगट सिंह के घर के बाहर धरने पर बैठी, विधायक भी समर्थन में धरने पर। अयोध्या में बेकाबू ट्रक का टूटा कहर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 7 घायल। सावन झूला मेले में शामिल होने कानपुर से आए लोग सड़क किनारे सोते वक्त बेकाबू ट्रक में रौंदा, मृतकों में 4 महिलाएं भी शामिल। दरभंगा में मोतिया बिंद के ऑपरेशन के बाद 4 मरीजों की आंख की रोशनी गई, डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। बिहार के कैमूर में दलित लड़की को डरा धमका कर 3 महीने से किया जा रहा था बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी फरार। अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, हंगामे के चलते NH-8 पर देर तक लगा जाम। चित्तौड़गढ़ में सैलाब की तबाही में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से गया रेस्क्यू, रस्सी के सहारे 7 लोगों को सैलाब से बाहर निकाला गया। राजस्थान में काली सिंध और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने से धौलपुर में चंबल नदी उफान पर, 40 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बोरवेल से 40 फीट ऊंचा निकल रहा है फव्वारा, पानी के साथ पत्थर की भी बारिश, ग्रामीणों में दहशत। कानपुर में अपने इलाके में जल भराव से परेशान लोगों ने इंजीनियर को बनाया बंदा, कुर्सी पर गंदे पानी पर बैठाया। इलाहाबाद में भी गंगा यमुना का बड़ा जलस्तर, निचले इलाके में तमाम लोगों के विस्थापित होने की आई नौबत। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती धारा में पुल पार करते समय 3 युवक बाइक समेत पानी में बहे, कई घंटे के बाद ग्रामीणों ने जान पर खेलकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। जबलपुर बरगी बांध के 16 गेटों से पानी छोड़े जाने से नरसिंहपुर में नर्मदा उफान पर, कई इलाके जलमग्न, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर में सीमा से सटे कई इलाके बाढ़ की चपेट में, कई गांवों का शहर से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। राजस्थान के झालावाड़ में उफनती धारा के पास जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते दिखे लोग, प्रशासन को हादसे का इंतजार। यूपी के गोंडा में बाढ़ का तांडव जारी, कई गांव बाढ़ की चपेट में, लोगों के बेघर होने का खतरा। भारी बारिश से हरिद्वार में उफान पर गंगा, निचले इलाकों में रह रहे लोगों की बड़ी मुसीबत। यूपी के बाराबंकी में घाघरा में उफान से कई गांव का कटान का खतरा, सरकारी स्कूल का हिस्सा ढहा। नदी में उफान से चरसड़ी तटबंध पानी में समाया, अधिकारी और कर्मचारी मौके से हुए गायब, 7 गांवों के डूबने का खतरा। पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई जगहों पर भारी बारिश, बारिश के कारण पानी भरने से कोलकाता में सड़कों पर दिखा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों ने का प्रदर्शन, खुदकुशी करने वाले किसानों की विधवाओं के लिए पेंशन की मांग। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में बोरवेल से 40 फीट ऊंचा निकल रहा है फव्वारा, पानी के साथ पत्थर की बारिश, ग्रामीणों में दहशत। कानपुर में अपने इलाके में जल भराव से परेशान लोगों ने इंजीनियर को बनाया बंदा, कुर्सी पर गंदे पानी पर बैठा।
अजमेर के दौलतपुरा गांव में तेंदुए का कोहराम, कई ग्रामीणों पर बोला हमला, वन विभाग की टीम पकड़ने में नाकाम। बिहार के बगाहा में किसान के लगाए कटीले तार में फंसकर तेंदुए की मौत, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर भोजन की तलाश में आया था तेंदुआ। शोभा डे ने रियो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को उड़ाया मजाक, ट्वीट में लिखा सेल्फी लो और खाली हाथ वापस आओ। भगवान पर टिकी रियो ओलंपिक में पदक की आस, पदक के लिए हरदोई में लोगों ने किया पूजा पाठ। रियो ओलंपिक में तीसरे दिन भी भारत की झोली खाली, 10 मीटर एयर राइफल से में पदक से चूके अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग ने भी किया निराश, निशानेबाजी में के ट्रैप मुकाबले में भी निराशा। पुरुष हॉकी में भारत को जर्मनी से मिली हार, कांटे की टक्कर में 3 सेकंड पहले गोल दागकर जर्मनी ने 2-1 से हराया, आज अर्जेंटीना से मुकाबला। आज सेंट लूसिया में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा टेस्ट खेलने उतरेगी टीम इंडिया, टेस्ट जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश। कैटरीना कैफ के साथ फैशन ब्रांड के लिए विज्ञापन में दिखेंगे सलमान, रणवीर से ब्रेकअप के बाद सलमान के साथ कई बार दिखे हैं कैटरीना। रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ की जग्गा जासूस अगले साल 7 अप्रैल को होगी रिलीज, डायरेक्टर अनुराग बसु ने की ली राहत की सांस। अपनी आने वाली फिल्म शिवाय के पोस्टर को लेकर विवाद पर बोले अजय देवगन, कहा किसी की भावनाएं आहत नहीं करेगी फिल्म। जय गंगा जल के सह निर्माता ने फिल्म के निर्देशक प्रकाश झा की प्रोडक्शन कंपनी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, रिलीज के महीनों बाद भी नहीं मिली मूल कॉपी। गुरमीत राम रहीम सिंह की तीसरी फिल्म का पोस्टर ट्विटर पर जारी, MSG द वॉरियर लायन हार्ट में है फिल्म का नाम।